भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति के कारण दुनिया भर में जाना जाता है, पर इसी देश में कई बार नारी की शक्ति को कम समझा जाता है। उनके पैदा होने से उनके बड़े होने तक उनके साथ कई प्रकार के भेदभाव होते हैं। पर जरा सोचिए, ये सब हम पुरुषों के साथ होने लगे तो प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, नहीं प्लीज जाने दो, नहीं जाने दो मुझे, हमारे साथ मुझे हे भगवान, कितना काम कराती है ये बीबी। आ मेरी कमर। आज क्या बनाओ खाने में? जगह खाना बनाओ, मेरे सिर पे मत खड़े रहो, कुछ बना जाओ, भूख लगी है मुझे कब से। ए भगवान, कितना काम करा दिए। बहुत बढ़िया खेल रहे हो। चल हाँ, सही में। मम्मी मम्मी हम खेलने जाए? हाँ मम्मी प्लीज, थोड़ा सा खेल लिया, पढ़ रहे थे ना इतनी देर से हम लोग। हाँ बाबा जाओ खेलो, मेरे को जाए। हाँ जाओ जाओ बेटा, पक्का जाए। हाँ जाओ जाओ, यही तुम्हारी उम्र ही है। बैठ ना यहाँ पे, हमारे पीछे पीछे आ जा। चल जबर मम्मी, मेरे को भी जाने दो ना खेलने। कोई जरूरत नहीं, जाके पापा की हेल्प करोगी। चल ऊपर कभी नहीं लेके जाता। बहन इस बार फिर से लड़का हुआ तो समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं कह रही हूँ ना भाई, लड़की ही होगी, मत ले टेंशन। भगवान के हाथ में बहन, तू मत लेना टेंशन, कहाँ ना लड़की होगी। केकुल जी बधाई हो, आपके घर कन्हैया आया है। क्या कह रहे हैं आप, फिर से लड़का? हे भगवान, ये क्या हो गया? हे माँ, माता जी, फिर से लड़का। ईश्वर का आशीर्वाद होती है एक लड़की, घर की खुशियों का आगमन होती है एक लड़की, दो परिवारों को जोड़ती है बहू बनकर एक लड़की। फिर भी देश में सबसे ज्यादा भेदभाव सहती है एक लड़की। आओ दोस्तों, मिलके एक शपथ लेते हैं, आज से हम नारी शक्ति को समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे। जय हिंद।